तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, इसमें हमने टोटल 3 पैराग्राफ कवर किया था। अगली जो पैराग्राफ है उसमें हम देखेंगे क्या कह रहा है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहे कि आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। ग्रोइंग कंसर्न हमेशा होता है बढ़ती हुई चिंता। आई वास्ट यानी मैंने देखा, कह रहा है कि मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उसको जाते हुए देखा। ट्रिकी वास टोटरिंग, ट्रिकी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। इन इज लिटिल ट्वीट कोट, जो छोटा सा ट्वीट कोट पहने रखा था। कह रहा है कि ट्रिकी एक छोटा सा ट्वीट कोट पहने लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ठीक है, क्लियर। ही हैड होल ए वार्डरोब ऑफ दिस कोट फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेनकोट फॉर द वेट डेज। कह रहा है उसकी जो आलमारी थी, कह रहा है ही हैड होल ए वार्डरोब, उसकी जो आलमारी थी पूरी तरह से, आलमारी किसकी, ट्रिकी की, ट्रिकी की अलग अलग कपड़ों से भरा हुआ था। कौन कौन से कपड़े थे उसमें, देखिए कैसे कैसे कपड़े थे। तो होल वार्डरोब दिस कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर कोट था, ठंडी के कुछ कोट, ठंडी के मौसम के लिए कोट थे। एंड रेन कोट था फॉर द वेट डेज, और गीले दिनों के लिए यानी बरसात के लिए क्या था, रेन कोट थे। रेन कोट यानी बरसाती कोट थे, ताकि ताकि वह भीग न जाए। ठीक है, ही स्ट्रगल्ड ऑन रिंग ड्रॉपिंग इन हिज हॉर्नेस। कह रहे ही स्ट्रगल्ड ऑन, उसकी समस्याएं जो थी, परेशानी जो थी बढ़ती ही जा रही थी। अनरिंग ड्रूपिंग ऑन हिज हार्नेस, और वह अपनी काठी जो उसकी कद थी, जो उसकी भार था, जो उसका वजन था, उससे वह दबा जा रहा था। इतना ज़्यादा वो मोटा हो रहा था कि बेचारे चलना उसके लिए दुभर हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आई थाट, मैंने सोचा, कह रहे कि आई थाट, मैंने सोचा इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। कह रहे कि मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा कि जब मिसेस पम्फ्रे मुझे ट्रिकी की मृत्यु का समाचार सुनाएंगी। कह रहा है कि आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग, कह रहे कि मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, बहुत समय नहीं लेगा कि बिफोर क्या हियर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, कि मिसेस पम्फ्रे से मुझे उसकी मृत्यु की खबर सुनने को मिलेगी कि ट्रिकी जो था वो बीमारी से मर गया। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो, ऐसा ही उसे खिलाती पिलाती रही तो। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आया होगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विदिन अ फ्यू डेज। एक्सपेक्टेड मीन्स होता है प्रत्याशित बुलावा, एक्सपेक्टेड कॉल मीन्स प्रत्याशित बुलाया बुलावा, क्लियर। कॉल केम विदिन अ फ्यू डेज, कुछ दिन में ही आ गया। कह रहा है कि प्रत्याशित बुलावा कुछ दिन में ही आ गया। मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रैक्ट, मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्यों परेशान थी, क्योंकि ट्रिकी ने सब कुछ खाना छोड़ दिया था। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसने अपनी सबसे जो प्रिय डिशेज थी, प्रिय व्यंजन था, उसको भी उसने खानी छोड़ दी थी, वो भी नहीं अब खाता था। बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, वह उसे उल्टियाँ भी शुरू हो गई थी, वह उल्टी भी करने लगा था। ही स्पेंट ऑल हीज टाइम लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक। ठीक है, वह सब हर समय जो उसका कह रहा है कि ही स्पेंट ऑल हीज टाइम, वह हर समय लेटा रहता था रग पेंटिंग, कहाँ, गलीचे पर। वह हर समय गलीचे पर क्या करता रहता था, लेटा रहता था और हाँफता रहता था। ठीक है, रग यानी लेटा रहता था, पेंटिंग यानी इस पर हाँफता रहता था। कह रहा है कि ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग, वह हर समय गलीचे पर लेटा रहता था एंड पेंटिंग, और हाँफता रहता था। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, कह रहा है
डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, वह घूमने जाने भी नहीं चाहता था। उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, उसने घूमने जाना भी छोड़ दिया था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं करना चाहता था। कौन? ट्रिकी जो था वह कुछ भी करना नहीं चाहता था क्योंकि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्लियर? ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं से अगर डाउट हो तो आप हमें तुरंत बताइएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कह रहा है आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, कह रहा है आई हैड मेड माई प्लान्स, मैंने अपनी योजना बना रखी थी इन एडवांस, पहले ही। कह रहा है कि मैंने पहले ही अपनी योजना बना रखी थी। क्या वो योजना बनाया था? कि द ओनली वे, एक ही रास्ता था, वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, कि ट्रिकी को घर से दूर कर दिया जाए फॉर ए पीरियड, कुछ समय के लिए। कह रहा है कि कुछ अवधि के लिए, कुछ समय के लिए ट्रिकी को क्या कर दिया जाए, घर से दूर कर दिया जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया। कह रहा है आई सजेस्टेड, मैंने क्या किया, सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट भी होता है पखवाड़ा, कि उसे यानी ट्रिकी को कुछ एक पखवाड़े के लिए क्या कर दिया जाए, अस्पताल में भर्ती, हॉस्पिटलाइज यानी अस्पताल में क्या कर दिया जाए, भर्ती करा दिया जाए। हॉस्पिटलाइज मीन्स भर्ती कराना, उस ट्रिकी को एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। टू बी कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर के निरीक्षण में उसे क्या किया जाए, भर्ती करा दिया जाए। टू बी कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि क्या किया जाए, उस पर नज़र रखी जा सके कि भाई इसकी समस्या क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? ऑब्जर्वेशन यानी नज़र रखी जाए। तो ये लाइन आपको समझ में आई होगी, ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और एक लाइन है इसमें, देख लेते हैं। कह रहा है द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वांड, ठीक है, बेचारी महिला, पुअर लेडी मीन्स बेचारी महिला, ऑलमोस्ट स्वांड, ऑलमोस्ट स्वांड मीन्स बिल्कुल एकदम, जब सुनी तो एकदम शॉक रह गई, अचेत रह गई कह सकते हैं। क्लियर? तो सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। कह रहा है कि निश्चित ही वह सोचने लगी, कह रहा है कि सी वॉज श्योर, वह सोचने लगी, वह निश्चित हो गई कि ही वुड पाइन एंड डाई, वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी, यदि वह उसे नहीं देखता है हर एवरी डे, प्रत्येक दिन। कह रहा है यदि वह हर दिन उसे नहीं देखेगा, ट्रिकी अपनी मालकिन को यदि हर दिन नहीं देखता है तो वो तड़प तड़प के क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कौन मर जाएगा? ट्रिकी। और कौन ऐसा सोचता है? तो मिसेस पंपरे सोचती है। क्लियर? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं, कहीं से डाउट हो तो बताइए। आगे कह रहा है बट आई टुक ए फर्म लाइन, फर्म लाइन मैंने दृढ़ता बरती। कह रहे कि मैंने दृढ़ता से काम लिया, एकदम सख्ती से काम लिया, बहुत ज़्यादा सख्ती मीन्स इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट नहीं होता तो बेचारे ट्रिकी का तो आखिरी दिन चल रहा था, मर जाता। इतना खिला दी थी उसको कि वह पूछे कुछ पचने उछने वाला नहीं था, अब वो मरने वाला था, ठीक है? तो इसीलिए डॉक्टर हैरियट कह रहा है कि बेचारा मैंने थोड़ी सी उस पर क्या बरती, सख्ती बरती, ताकि वो ठीक हो सके। अगर सख्ती नहीं बरता जाता तो उसे मरने की नौबत आ गई थी। आगे कह रहा है ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम इन फैक्ट, और वास्तव में उसकी प्राण को बचाने के लिए, उसे उसके जीवन को बचाने के लिए अब केवल एक ही उपाय था। क्या उपाय था? आई थॉट, मैंने सोचा इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पंपरे वायलिंग, मिसेस पंपरे वायलिंग। कह रहे कि आई थॉट, मैंने सोचा कि इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि बिना देर किए इसे ले जाना चाहिए, कह रहे कि बिना देर किए इसे ले जाना चाहिए,
एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्री वेलिंग, और मिसेस पम्फ्री के रोने के बावजूद, मिसेस पम्फ्री के रोने के बावजूद, वेलिंग मैंने होता है रोना या विलाप करना, उनके रोने या फिर उनके विलाप करने के बावजूद, रोने या विलाप करने का मतलब ये भी, अपने कुत्ते को वो अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती थी मिसेस पम्फ्री, क्योंकि उनका कोई और दूसरा था नहीं, वो कुत्ता ही था केवल, इसीलिए वो कुत्ते के लिए वो बेचारी मिसेस पम्फ्री रो रही थी। ठीक है, उनके रोने के बावजूद मैंने क्या किया, आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। कह रहा है कि मैंने कुत्ते को छोटे से कंबल में लपेटा एंड कार की ओर चल दिया। कह रहा है कि आई मार्च आउट टू द कार, मैं कार की ओर चल दिया, कैरिंग ले करके टू द लिटिल डॉग, किसको, छोटे से कुत्ते को रैप्ड इन द ब्लैंकेट, और अपने एक ब्लैंकेट में यानी कंबल में लपेट करके, कह रहा है कि मैंने कुत्ते को एक कंबल में लपेट करके कार की ओर चल दिया। क्लियर, समझ में आया ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखा, कह रहा है कि द इंटायर स्टाफ वाज लॉस्ट एंड मैट्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। कह रहे कि इंटायर स्टाफ माने सभी के सभी जो भी काम करने वाले लोग थे उसके घर में, किसके घर में, तो मिसेस पम्फ्री के घर में जो काम करने वाले लोग थे वो लोग, उसको बोला गया इंटायर स्टाफ यानी नौकर चाकर। ठीक है, द इंटायर स्टाफ और सबके सब सक्रिय हो गए बिल्कुल, एंड मैट्स और नौकरानियां रश इन भाग भाग करके एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और उसका बिछावन कोई लेके आ रहा था तो कोई कुछ लेके आ रहा था। ठीक है, तो भाग भाग करके उसकी क्या बिछावन, हिज बेड डे यानी सोने का बिस्तर जिसको कहा गया, हिज नाइट बेड रात की बिछावन, कह रहे कि दिन का बिछावन रात का बिछावन, क्लियर, डे बेड जिसको कहा गया यहाँ पर, हिज डे बेड दिन का बिछावन, हिज नाइट बेड रात का बिछावन, फेवरेट कुशन और उसका एकदम प्रिय तकिया, एकदम प्रिय तकिया, बेचारे को क्या क्या दिया जा रहा था बताइए, इतना सब कुछ सुख सुविधा भोग विलास की वस्तुएं बेचारे को मिलेगी, मिल रही थी, उतना तो इंसान को भी नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है फेवरेट कुशन यानी उसका प्रिय तकिया, ट्वाइस खिलौने एंड रबर रिंग्स, और रबर रिंग, ठीक है, और रबर रिंग्स, और क्या था, और ब्रेकफास्ट बाउल नाश्ते का प्याला था, लंच बाउल, वाह देखिए सब अलग अलग चीज़ें हैं, नाश्ते का प्याला अलग है, लंच बाउल अलग है यानी दोपहर का भोजन का कटोरा अलग है, सफर बाउल रात के भोजन का अलग है। ठीक है, सफर बाउल मीन्स रात के भोजन का कटोरा, सबके सब वो चीज़ें भाग भाग करके लोग क्या कर रहे थे, इंटायर स्टाफ ले आ रहा था। क्लियर, चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, आगे बढ़ते हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कह रहे रियलाइजिंग दैट, मैंने महसूस किया कि, कह रहे कि महसूस करते हुए कि माई कार, कि मेरी कार में वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि सभी वस्तुएं नहीं आ सकती। कह रहा है कि सभी जो चीज़ें थी, सभी जो सामान जो ले आया गया था, उसके दिन का बिछावन, रात का बिछावन, सुबह का नाश्ते का कटोरा, दोपहर का नाश्ते का, दोपहर के भोजन का कटोरा और रात के भोजन का कटोरा, ये सब के चीज़ जो भी था, रबर रिंग खिलौने उसके सब के सब, वो उसके कार में नहीं आ सकती थी, उसने ऐसा महसूस किया। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार चला दी, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार को थोड़ा क्या किया, आगे बढ़ाया, एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही वो आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्रे विथ ए डिस्पायरिंग क्राई, मिसेस पम्फ्रे जो थी डिस्पायरिंग यानी निराशजनक चिल्लाहट के साथ रोने लगी बेचारी, थ्रू एन आर्फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। देखिए कह रहा है थ्रू एन आर्फुल ऑफ द लिटिल कोट्स, एक छोटे से कोट को बड़ी सी संख्या में,
कह रहा है कि बड़ी सी संख्या चिल्लाहट के साथ एक छोटे से कोट को खिड़की में से क्या किया, यानी कार की जो शीशा होती है और शीशे में से उसके कोट को क्या किया, अंदर फेंका। भाई किसी भी चीज़ को उसको कमी नहीं रहने दी, हर वो चीज़ उसे दिया जो दिया जा सकता था। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, कह रहा है कि मैंने शीशे में देखा, बिफोर आई टर्न्ड अ कॉर्नर, कह रहा है कि मैं कोने जहां से कार को मोड़ा जाता है, ठीक है, तो कोने पर से घूमने से पहले मैंने कार के शीशे में क्या किया, देखा, क्या देखा, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, कि सभी लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे। कह रहा है कि आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरी डे एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, कह रहा है कि मैंने अपने कार को मोड़ पर से घुमाने से पहले मैंने देखा कि सब लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे, और उसके नौकर चाकर जितने थे मिसेस पंपरे सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। ठीक है, क्लियर, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, कहीं से डाउट अगर हो तो बताइएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा आपको। अगला पैराग्राफ देखते हैं, तीसरा पैराग्राफ, इसमें फिर से तीन पैराग्राफ पढ़ लिया था, आज का तीसरा पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ ऑलरेडी हमने कम्प्लीट, यानी टोटल हमने पांच पैराग्राफ कवर कर लिया, ये छठा पैराग्राफ हम देख रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, आउट ऑन द रोड, सड़क पर आ गया वो, कह रहा है कि ट्रिकी को लेकर के मिसेस हैरियट सड़क पर आ गए, एंड आई गैलेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, करके आई गैलेंस डाउन, मैंने नजर डाली या मैंने देखा एज अ पैथेटिक लिटिल एनिमल, उस दयनीय छोटे कुत्ते पर, कह रहा है कि मैंने उस दयनीय छोटे कुत्ते पर, दयनीय का मतलब इसलिए कह रहा कि बेचारा कुत्ता की हालत ऐसी हो गई थी कि वो चलने फिरने लायक नहीं रहा था, कह रहा कि उस मैंने कुत्ते को देखा, उस पर नजर डाली, गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, जो मेरे सीट पर मेरे बगल में हाफता हुआ बैठा हुआ था, कह रहा कि मेरे बगल में हाफता हुआ बैठा हुआ था, आई पैटेड, मैंने थपथपाया द हेड, सिर, कह रहे कि मैंने उसका सिर थपथपाया, फिर ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट, ट्रिकी बहुत ज्यादा प्रयास किया टू वैग हिज टेल, अपनी पूंछ हिलाने की, कह रहे कि ट्रिकी अपनी पूंछ हिलाने की बहुत ज्यादा प्रयास किया, बट पुअर ओल्ड लैड, लेकिन बेचारा ट्रिकी, आई सेड, मैंने कहा बेचारा ट्रिकी, मैंने कहा यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, कह रहा है यू हैवंट अ किक इन यू, अब तुम्हारे अंदर अब कुछ भी बचा कुचा नहीं है, सबने तुम्हें क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, सारी एनर्जी तुम्हारे अंदर से निकल गई है, कुछ बचा नहीं है, पर बट लेकिन आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ, मेरे पास तुम्हारा इलाज है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं। जब उसने अपने हाउस होल्ड पहुंचा, यानी एट द सर्जरी, शल्य चिकित्सा पर, द हाउस होल्ड डॉग्स, और जो उसके पशु चिकित्सालय के पालतू कुत्ते थे, सॉरेड राउंड मी, और उसको चारों तरफ से क्या किए, घेर लिए सब, कह रहे शल्य चिकित्सा पर जब वो पहुंचा तो उसके पालतू कुत्ते जो थे उसके चारों तरफ घेर लिए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, ट्रिकी ने इसे शोर करते हुए झुंड को थोड़ी सी देखी, विथ डल आइज, अपनी धुंधली निगाहों से, कह रहा है अपनी धुंधली निगाहों से ट्रिकी ने इस शोर करते हुए नॉइजी पैक, शोर करते हुए झुंड में बैठे हुए उन कुत्तों को देखा, और भी कैसे, डल आइज, एकदम धुंधली आंखों से देखा, एंड वेन पुट डाउन मैंने जब मैंने उसको नीचे उतार दिया, तो ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो फिर से नीचे पर जो कारपेट है, जो दरी बिछी हुई थी, उस दरी पर ही वो क्या हो गया, बिल्कुल मोशनलेस, माने थोड़ा सा भी हिलने डुलने की उसमें शक्ति नहीं थी, ऐसे लेट गया जैसे मानो बेहोश हो गया हो, इस तरह से वो क्या हो गया, लेट गया। द अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, कह रहे कि जो दूसरे कुत्ते थे उसके चारों ओर घूम कर उसे क्या करने लगे, स्निफिंग यानी सूंघने लगे, फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ समय के लिए, कह रहा है कुछ समय के लिए जो चार कुत्ते थे वो चारों ओर घूम कर उसको क्या किया,
सूंघने लगे एंड डिसाइडेड और निर्णय कर लिया सोच लिया कि वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट कि क्या है यह एक बहुत ही बेकार सा जिसमें कोई भी रुचि नहीं है ऐसा ऑब्जेक्ट है ऐसी वस्तु है एंड इग्नोर्ड हिम और उसको फिर क्या कर दिया इग्नोर कर दिया अनदेखा कर दिया वहाँ से उन लोगों ने उस स्टिकी को छोड़ दिया। क्लियर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कहीं से कोई डाउट हो तो आप तुरंत बताइएगा। बेचारों ने उसको सूंघा सूंघने के बाद क्या सोचा कि बेचारा एक ऑब्जेक्ट उसको समझ लिया क्योंकि उसमें इतनी जान नहीं बची थी कि उन पर वो थोड़ा चिल्ला सके थोड़ा भोंक सके थोड़ी अपनी पोंछ हिला सके। तो हमने आज टोटल 6 पैराग्राफ कवर कर लिया तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।